मेन एंट्रेंस है गाइस। अभी ना लाइटिंग में बहुत प्यारा लगता है, मतलब मंदिर पूरा सजावट लाइटिंग से। सो गाइस स्पाइसी बोला था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ओके अभी भाई मुझे कोलकाता के थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह दिखा रहा है कि कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ ब्लॉग वगैरह बनाना चाहिए। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दक्षिणेश्वर का नाइट व्यू कैसा है। वैसे दक्षिणेश्वर टेंपल का एक ब्लॉग ऑलरेडी है, तो वो आई बटन या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख लेना। और वैसे मैं अभी रूम से निकल चुका हूँ, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है जो मेरे रूम के पास ही रहता है, जस्ट 2-3 मिनट की दूरी पर। तो हम दोनों एक मस्त जगह आए हैं। पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहो। अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाओ, और इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो फटाफट फॉलो कर लो गाइस। अभी चलो मैं थोड़ा सा नीचे आ गया था, ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके कुछ खाना पीना खाएंगे पहले, उसके बाद दिखाऊंगा। हर बार क्या होता है, मैं जहाँ घूमने आता हूँ पहले घूम लेता हूँ उसके बाद खाना खाते हैं। लेकिन हम लोग अभी बेलघोड़ी एक्सप्रेस आ चुके हैं, वहाँ पर चाय वगैरह पिया हम लोगों ने और इसके बाद एग रोल ऑर्डर किया। तो चलो वो दिखाता हूँ और मेरे दोस्त से भी मिलवाता हूँ, उसके बाद रात हो चुकी है, नाइट व्यू दिखाऊंगा दक्षिणेश्वर टेम्पल का, बहुत प्यारा। सो चलो बने रहो। सो गाइस ऊपर है बेलघोड़ी एक्सप्रेस, मैं थोड़ा नीचे आया था खाली होने, क्योंकि बहुत देर से निकला हुआ था रूम से। और देखो लाली खड़ी है, अभी मस्त पार्क कर दिया लाली। वैसे थोड़ा सा गंदा हो रहा है, धोना है। हम लोग बोले तो ये सायन, इसको आप लोगों ने भी पहले ब्लॉग में देखा होगा, कहाँ गए थे यार काम करने, वो भूल गया, वैदिक विलेज। हाँ वैदिक विलेज में गए थे, तो इसका ही काम था, वहाँ गए थे। ये भी फोटोग्राफर है, तो ऐसे मिल गए थे, लेकिन लक बाई चांस पड़ोसी निकल गए। ये जा रहता है, इसका स्टूडियो वगैरह है छोटा मोटा नहीं यार, काफ़ी अच्छा स्टूडियो फैला रखा है भाई का। और फोटोग्राफी रिलेटेड काम हो तो वो तो कॉन्टैक्ट करना ही मेरे को। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बेलघोड़ी एक्सप्रेस में, चाय पीने आए थे क्योंकि मैं रूम पर बोर हो रहा था और मेरे साथ कोई भी नहीं था इधर कोलकाता में, दोस्त वगैरह बहुत कम है। फिर साइन को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा चल थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोगों ने अभी एग रोल का ऑर्डर दिया, इधर एग रोल खाएंगे, उसके बाद मैं दक्षिणेश्वर दिखाऊंगा। दक्षिणेश्वर टेंपल मतलब अंदर तो नहीं जाएंगे, वो जो ब्रिज है ना बाली ब्रिज, एक नंबर लगता है रात में, उसका नाइट व्यू दिखाऊँगा। तो बाकी आप लोग बने रहो और देखो क्या होता है। सो गाइस ये बेलघोड़ी एक्सप्रेस देख रहे हो, बहुत बिजी रोड है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मतलब मुझे कोलकाता में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो भाई ने पूरा रोड वगैरह बताया है, झाल दिए। तो और हम लोगों ने इस वाले शॉप से चाय पिया और इधर हम लोग एग रोल खा रहे हैं, एग रोल दो बनाने के लिए बोला, अगर पेट नहीं भरता उसके बाद मोमो वगैरह खाएंगे, बाकी उसके बाद टूर बढ़िया से देता हूँ आपको नाइट में कैसा लगता है दक्षिण। गाइस फाइनली मेरा एग रोल आ चुका है, मेरा ये मिर्च वाला देख रहे हो, और इसका मिर्च नहीं करा, विदाउट मिर्च खाएगा। बाकी इसको ख़त्म करते हैं, फिर भाई ने बोला पूरा दक्षिणेश्वर घुमाएगा मुझे और मैं भी आप लोगों को पूरा टूर दूंगा रात का क्या सीन है। सो गाइस स्पाइसी बोला था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ओके अभी भाई मुझे कोलकाता के थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह दिखा रहा है कि कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ ब्लॉग वगैरह बनाना चाहिए। चलो बाकी एग रोल ख़त्म करते, इतना बच रहा है, उसके बाद दक्षिणेश्वर टेम्पल जाते हैं। अभी तो टेम्पल क्लोज है, बाहर से पूरा व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। सो लेट्स गो गाइस, बेलघोड़ी एक्सप्रेस से हम लोग अभी दक्षिणेश्वर टेम्पल आ गए, लेकिन एक बुरी खबर है, लाइट अभी ऑफ है मंदिर का, फिर भी मैं बेटर व्यू के लिए थोड़ा सा घूम के जा रहा हूँ, बाइक को पार्किंग में लगा दिया और अभी देख रहा हूँ इधर लाइट वगैरह है नहीं, और दिन में तो बहुत भीड़ होता है। वैसे ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, और इधर से एक बेटर व्यू दिखाता हूँ मैं नाइट व्यू। सो गाइस आज ही मेरा किस्मत ख़राब है, मतलब सिर्फ मेरा किस्मत आज के लिए नहीं, बराबर ही ख़राब रहता है। मैं इतना प्लानिंग करके आया कि भाई को उठा के लाया घर से कि भाई चल थोड़ा घूमेंगे और एक मस्त सा एक ब्लॉग भी बनाऊंगा, लेकिन आज ही लाइट ऑफ है। लेकिन लाइट में ना बहुत प्यारा लगता है मंदिर, और दिन में तो प्यारा लगता है और माँ तो जागरूक है, मतलब जो भी इच्छा जो भी मांगोगे वो पूरा होगा ही होगा। बाकी वो ब्रिज के ऊपर से एक बार दिखा दूंगा, अगर ब्रिज में हम लोग रुकेंगे ना शायद, और सामने लाइटिंग वगैरह हो रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। चलो बाकी आगे चलते हैं। देखो मंदिर
काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये एक तालाब है, बाकी एक छोटा सा रास्ता यहाँ से निकल लें और मैं आपको बताता हूँ शूज वगैरह कहाँ रखने हैं। ये जो एरिया देख रहे हो इधर शूज़ और मोबाइल वगैरह सब रख सकते हो। ये वाला एरिया देखो, हाँ इधर मोबाइल और शूज़ सब रख सकते हो। और मंदिर ये रहा, यहाँ से फिर लाइन जाता है उधर अंदर जाना, और मोबाइल तो अलाउ नहीं है अंदर, बाहर अलाउ है थैंक गॉड। और उस साइड घाट है और इस साइड प्रसाद वगैरह सब मिलता है उधर, वो भी मैं दिखाता हूँ। मेन एंट्रेंस है गाइस, अभी ना लाइटिंग में बहुत प्यारा लगता है, मतलब मंदिर पूरा सजावट लाइटिंग से होती है, लेकिन आज पता नहीं लाइटिंग क्यों ऑफ है। और ये जो एरिया देख रहे हो, वेट, ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। और ये तो बहुत मस्त लग रहा है लाइटिंग में, वैसे रात में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दिन में धूप में इतना प्यारा नहीं लगता शायद, और रात को जितना प्यारा मैं देख सकता हूँ या फ़ोन मेरा जस्टिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो बहुत मस्त लग रहा है ये भी। और ये मंदिर तो मस्त है ही है गाइस। हेलमेट पहनने का एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, क्या एडवांटेज हेलमेट पहनने का तू बता? पता कि नहीं। पता नहीं है, एक्सीडेंट से अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हेलमेट रहेगा तो बच जाओगे। और डिसएडवांटेज ये है कि बाल खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, मेरा बाल देखो चंपू सा लग रहा हूँ मैं। और वैसे थोड़ा सा ये पसीना, गर्मी के टाइम पसीना का भी इशू हो जाता है। बाकी ये पीछे देखो मंदिर, मैं सोच के आया था लाइटिंग वगैरह होता है ना वो दिखाता, लेकिन वो नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी, डिसलाइक मत मार देना, लाइक ही करना। बाकी यहाँ पे अरे लाइटिंग हो रही थी वो भी कहाँ है। इस यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और मैं अभी लाली को लेके चलता हूँ क्योंकि अभी बंद हो चुका है, 7:30 बजे बंद हो जाता है सब कुछ, तो लाइटिंग वगैरह इधर बंद है, ये मंदिर है। और यहाँ भी एक लाइटिंग हो रहा था फाउंटेन सा, वो भी बंद हो गया। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, सो गाइस मंदिर ओपनिंग टाइम है 6 AM से 7 AM के बीच ओपन हो जाता है, और दोपहर को फिर 2-3 घंटे के लिए बंद रहता है, उसके बाद शाम से फिर ओपन होता है रात के, मतलब शाम के 7:30 बजे तक। और हम लोग अभी आए 7:15 हो रहे हैं, तो लाइटिंग वगैरह सब ऑफ है फिलहाल, अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और उसके बाद मैं इसका घर थोड़ा जाऊँगा, थोड़ा काम है, और इसका स्टूडियो वगैरह थोड़ा दिखाऊँ तो कैसे क्या, बाकी ब्लॉग इसके घर जाके मैं कंटिन्यू करता हूँ। So guys, अभी मैं हूँ कोलकाता के फेमस बाली ब्रिज पर, मतलब ये दक्षिणेश्वर टेम्पल है उधर पीछे, जस्ट मेरे पीछे ये उस साइड वाले रोड पे हम लोग बेलघोड़िया से आए तो इस साइड में आए, तो ये भी बहुत बढ़िया लगता है। वैसे बहुत सारे ब्लॉगर के आप लोगों ने वीडियोस में देखे होंगे दक्षिणेश्वर ब्रिज में, थोड़ा मंदिर दिखा, ये देखो ये है दक्षिणेश्वर टेम्पल, ये रहा। और मेरे रूम से कितना 5 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणेश्वर टेम्पल, इसलिए मैं इधर घूमने आया था और सोच रहा था रात का नाइट व्यू दिखाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया। और रात में इतना प्यारा लग रहा है ना, ये रहा इतना मस्त लग रहा है। इनके घर पर आ चुका हूँ, और इसके घर में ये वाला शॉप भी है, और ये इसका स्टूडियो टाइप का, यहाँ पे बैठ के काम वगैरह करते हैं, और यहाँ पे सब काम होता है, लाइक ये मग प्रिंटिंग वगैरह सब करता है ना, तो टी शर्ट वगैरह फोटो फ्रेम सब होता है। और टी शर्ट देखो यार, ये बढ़िया लगा यार, भूले जाओ एक्स के खुजे ना नेक्स्ट के। और ये सब देखो टी शर्ट वगैरह, अगर चाहिए तो DM करना, मैं बता दूंगा भाई को, ऑर्डर्स वगैरह करने हैं तो बता देना, तो मैं भाई से करवा दूंगा। जस्ट वाओ। और काकी माँ ने वैसे मुझे मिठाई दिया, क्योंकि बंगाली में अगर किसी के घर विजिट करो तो मिठाई तो मिलेगा आपको खाने के लिए, कुछ मिले ना मिले मिठाई और पकौड़ा ज़रूर मिलता है। बाकी मेरा वाला ऑफर याद है ना, वेडिंग शूट अगर मेरे से करवाते हो 31 अक्टूबर से पहले बुकिंग, तो 30% ऑफ मिलेगा हर पैकेज में, तो फटाफट शादी करो, अगर कोई कर नहीं रहे हो तो कर ही लो। बाकी मैं मिठाई वगैरह खा लेता हूँ, मिठाई वगैरह खा के फिर रोटी वगैरह पैक करके रूम पर जाता हूँ, बाकी ब्लॉग रूम पे जाके एंड करता हूँ।
ओवरऑल अगर यहाँ तक देखे लो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाना, और हो सके तो ब्लॉग शेयर कर देना। सो लाइट गाइस, जस्ट रूम पर आया, रोल तो बढ़िया था खाने में, लेकिन खाने के बाद पता नहीं पेट में कुछ हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है क्यों खा लिया यार, मतलब जो भी हो रोल तो हो ही गया खाना। मैं डिनर लेके आ गया था और इतना अजीब सा फील हो रहा था ना, मैंने कुछ भी मतलब क्लिप बनाया नहीं डिनर में, आलू की सब्जी मतलब आलू दम और रोटी वो ले लिया। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना, एंड हाँ प्लीज़ शेयर करो ब्लॉग। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।